ठीक तो कहो चुपचाप अपन बाप की जमीन नहीं आप निकाली बैठा दो जमीन नहीं जीएम लाचा जीएम कर जा और जमीन नहीं बैठा दो उमर के बोल जमीन चालीस साल हो गए पचास साल में फिट फाट हो तो बाप के जमीन से टाका कमाई बुलाइए बाहर बुला रेत लगे बोला बाहर हमारा जमीन में अपन कही दूसरा के अपन ठीक रहिए ना तो ठीक तो ऐसे तो कान हाड़ पारा ढूंढ ले माची की कर जब जमीन लुटे तो तीन एकड़ जमीन तो ठीक है जिंदा रह गए खाली घर में इधर तो सिखाई नहीं है जमीन हमारे पंद्रह लिए पाते तो ले लेते कैसे लिए पाते जब तक एकदम कोई काम नहीं चढ़ते जब तक मौजा नगर तो जमीन नहीं लगा तो पेपर में डिक्लेयर कर दे लागे तो पेपर में डिक्लेयर कर दे कोई काम चढ़ने में तब मतलब ठोकर खाएगा जिंदा रह भैया अभी आपका आई कैसा डर रहा देखिए नहीं मैंने ठोकर नहीं खाना डरपोक है बेटा एक पुनः जो चालीस पचास देखना सो के स्मार्ट देखा तो और बाप के जमीन के टाका कमाइया बीमार जर्जर दिखाई रहा है बोले पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा आप अपना रोजी रोटी की बात कर रहे हैं इसका रोजी रोटी क्या है मनुष्य नहीं है कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं आपका ड्यूटी का पीरियड क्या है 20 साल की है किए कि बत्तीस साल की है 32 साल को रोजी रोटी में आपका 32 साल में 32 लाख नहीं कमाएंगे इसको 3 एकड़ जमीन है गांव में भी एवरेज 3 एकड़ जमीन होता है इसे पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा है और आप रोजी रोटी की बात कर रहे हैं तो 32 लाख में 32 दिन चलेगा कि नहीं इससे पूरा पीढ़ी खत्म हो जाएगा अच्छा नहीं रोजी रोटी की बात की बिल्कुल आप अपना देख रहे क्या रोजी रोटी आपको बात कर लेंगे जो आप लोगों ने बोला है उसके हिसाब से नहीं बिल्कुल एकदम कोई काम नहीं होगा और हम स्पष्ट बोल के कहना चाहेंगे कि हमें एक ठीक रोज ना हो पा को बापे जमीन लग सनी तो गदर देखा ले गदर जब कहानी है जब गुंडो में सनी बड़का बेटा उठे ना वो छोटका बेटा उठे कुछ नहीं तुरा बाप तुरा तुरा किधर साला भूख से मरतो जैसे इसने पार पे तैसे इंसाफ करी हम जाए रहेंगे बात कही की बाप जमीन है चालीस साल हो गए पचास साल में फिट फाट हो तो बाप के जमीन से टाका कमाई अरे गिड़गिड़ाई रहे एकदम नहीं जैसे परमा चाहिए धरती बाप के कमा जमीन में बैठा लो तो वही चुपचाप बात कर जैसे बात कर बात कर डरपुर का सब कही के पैदा ना तो भगवान भी ना तो बच में एको काम नहीं करा जब तक वो डिसीजन क्लियर नहीं होगा कोई काम नहीं चलेगा